वेरी गुड मॉर्निंग रेडियो केजीएमयू गूंज 89.6 एफएम पर, मैं हूं आपके साथ सुरभि। शो चल रहा है मॉर्निंग गूंज और इस नवरात्रि हम सेकेंड इनिंग्स में कुछ स्पेशल कर रहे हैं। सेकेंड इनिंग्स में हम उन 9 पावरफुल लेडीज के बारे में बात कर रही हैं जो अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को बखूबी मैनेज करती हैं और हम सबके लिए एक प्रेरणा का स्रोत हैं। आज नवरात्रि स्पेशल सेकेंड इनिंग्स में हमारे साथ फुल लाइन पर हैं डॉक्टर मोनिका मिश्रा, जो कि पेशे से गायनेकोलॉजिस्ट हैं और लखनऊ में ही प्रैक्टिस कर रही हैं। हाय मैम, कैसी हैं आप? हेलो, हाय, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं एकदम ठीक हूँ। मैम, लखनऊ को अपने बारे में कुछ बताइए। मैं डॉक्टर मोनिका मिश्रा यहीं पे गायनेकोलॉजिस्ट की तरह काम कर रही हूँ। छोटा सा हॉस्पिटल है मेरा, रघुवीर हॉस्पिटल करके। और मैम, मोनिका का डॉक्टर मोनिका तक का जो सफर था उसकी शुरुआत कैसे हुई? एक्चुअली हम लोग बहुत मिडिल क्लास फैमिली के ही हैं, तो मैं, दो बहनें एक भाई थे। मेरे फादर बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल करके अपना बिजनेस सेटअप कर पाए और फिर उसके बाद उनको था कि नहीं, मुझे अपनी लड़कियों को पढ़ाना है। तो मैं, दो बहनें हैं, मैं सबसे बड़ी हूँ और मेरी छोटी बहन है, हम दोनों ही डॉक्टर हैं। और वो मेरे पिताजी और मेरी माताजी के आशीर्वाद से, कभी भी उन्होंने ये नहीं सोचा कि लाइक मैं लड़की हूँ तो मुझे आगे नहीं बढ़ना है। मेरा एक भाई भी है, मैं आपको सच बताऊं, वो इतना ज्यादा नहीं पढ़ा है जितना हम लोगों को पढ़ाया। शुरू से वो बिजनेस में ही पिताजी के साथ लग गया, मगर हम लोगों के साथ इतनी मेहनत करी हमारे माँ बाप ने। मैं भगवान का बहुत आशीर्वाद सोचती हूँ कि हमारे ऊपर है कि जो ऐसे माता पिता मिले हैं, उसकी वजह से मैं आज डॉक्टर हूँ। मैं समाज में एक अच्छा काम कर रही हूँ और कोशिश रहती है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी की लड़की की मदद करूँ और आगे बढ़ने की प्रेरणा देती रहूँ। तो मैम, कब आपको लगा कि अब मुझे ये डॉक्टर वाली ही पढ़ाई करनी है, एमबीबीएस करना है? एक्चुअली में मेरी दादी भी डॉक्टर थी, तो मेरे फादर उतना नहीं पढ़ पाए। मेरे बाबा बहुत जल्दी ही, उनकी डेथ हो गई थी, इस वजह से, फैमिली प्रॉब्लम की वजह से मेरे पिताजी डॉक्टर नहीं बन पाए। और उनको ये था कि उनको जुनून था, नहीं मुझे अपनी बेटियों को डॉक्टर बनाना है। तो मेरे परिवार में उन्होंने, उनके जुनून की वजह से आज जो मैं हूँ, वो मेहनत की वजह से आज हम लोग डॉक्टर बन गए हैं। शादी के बाद की लाइफ की बात करूँ तो अब घर में कौन कौन है? शादी के बाद मेरी एक बेटी है और एक बेटा है छोटा, और वैसे ही बेटी ज्यादा डोमिनेटिंग है। हम लोगों को जो मिला, लाइक मेरे फैमिली से हम लोगों को ये मिला कि नहीं, बेटी बेटे में कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो अब आगे की हमारी जनरेशन में भी नहीं, बेटी बेटा सब एक जैसे ही होने चाहिए। हस्बैंड मेरे सर्जन है और वैसे ही, जैसे ही आज जैसे मैं यहाँ तक पहुंची हूँ, तो मुझे लगता है जैसे मेरे माता पिता ने पूरा सहयोग करा है, वैसे ही मेरे हस्बैंड का और मेरे ससुराल में ही सबका ही सहयोग है। एक औरत तभी आगे बढ़ पाती है जब उसके परिवार का पूरा सहयोग रहता है, क्योंकि तो एकदम स्ट्रांग है, उससे स्ट्रांग तो कुछ हो ही नहीं सकता मुझे लगता है। क्योंकि मैं बताऊं, मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, तो हम लोग डिलीवरी करते हैं, तो जैसे लड़का हुआ, लड़की हुई, जो भी होता है, तो लड़के फटाफट कॉम्प्लिकेशन नहीं वो कर पाते हैं, फटाफट उनको कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन, लड़कियां इतनी स्ट्रांगली होती हैं, कोई भी कॉम्प्लिकेशन हुआ तुरंत वो बढ़िया फिर भी सर्वाइव कर जाती है, 100% हम लोग को रिजल्ट मिलता है। तो जनरली स्ट्रांग है, तो अगर बस उनको एक सपोर्ट की जरूरत है, पुश की जरूरत है, और वो सपोर्ट आपको कहाँ से मिलता है? आपके परिवार से ही सबसे ज्यादा, आप है ना जी, और फिर आपकी शादी हो जाती है तो आप दूसरी फैमिली में आ जाते हो, तो उससे आपको सपोर्ट मिलता है, तो फिर कोई आपको रोक नहीं सकता है। तो मैम, ये एक पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ अगर आज की डेट में देखा जाए तो कहीं ना कहीं हम लड़कियां इसी चीज को थोड़ा सा मैनेज नहीं कर पाते, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को, तो आप किस तरह से मैनेज करते हो, कुछ टिप दीजिए। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि वही फैमिली का सपोर्ट, फैमिली में हस्बैंड, मदर इन लॉ, जितना भी आपका फैमिली आपको सपोर्ट करेगा उतना ही आप आगे बढ़ोगे, तो सोसाइटी में आप आगे बढ़ोगे। और इसमें सोसाइटी का भी रोल होता है, आपके अड़ोसी पड़ोसी, आपके फ्रेंड्स जितने भी होते हैं आपको सपोर्ट करते हैं तो आप आगे बढ़ जाते हो। तो मुझे लगता है कोई मैनेजमेंट में दिक्कत नहीं है, क्योंकि इतनी स्ट्रांग है लेडी कि वो घर और बाहर दोनों जगह आराम से काम कर सकती है। क्योंकि जो हस्बैंड वगैरह होते हैं, घर के मेल मेंबर होते हैं, वो घर में कुकिंग है, घर का और भी सारी चीजें हैं, वो इतना नहीं देख पाते हैं, वो मैनेज ही नहीं कर, सर्वेंट है, हर सारी चीजें, गाड़ी सर्विस होना है, ये करना है,
मतलब आजकल घर की चाहे घर में हाउस वाइफ हो, वो मान लीजिए वो बाहर नहीं जाती मगर वो घर में ही सारा काम करती है और वो अच्छे से मैनेज करती है। हम लोग तो बाहर ही, भाई मैं तो गायनोकोलॉजिस्ट हूँ तो हम लोग बाहर मैनेज करते हैं, घर में भी आराम से मैनेज होता है, मगर ये है कि जब तक आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा फैमिली का और सोसाइटी का, तब तक कुछ नहीं हो सकता है। मैम जैसा कि आपने बताया कि आप एक गायनी हैं, तो आप जितनी नजदीकियों से इन चीजों को देख पाती होंगी, ये लड़का लड़की वाले डिफरेंस वाली, क्या आज भी ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं, बेटा और बेटी का फर्क? नहीं, अब मैं कहूँ 15 साल पहले जब मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट करी थी तब था, तब ये डिफरेंस था, क्योंकि आदमी को लगता था कि भाई एक बेटा हो जाएगा, फिर एक बेटी है, एक बेटा और, पहले तो ये भी था कि हमें दो बेटे चाहिए, मगर अब नहीं है ऐसा। अब 15 साल में बहुत चेंज हुआ है, बिकॉज ऑफ, वो मैं बताऊं क्यों, क्योंकि एजुकेशन, क्योंकि शिक्षित, आप जितना भी शिक्षित रहोगे, आप अपने बच्चों को शिक्षा दोगे, आप घर में एक शिक्षित महिला लाओगे, बच्ची को पढ़ाओगे, वो दूसरी घर जाएगी, तो ये सारी चीजें चली बराबर ही हो जाएंगी। और आजकल तो लड़कियां ज्यादा करती हैं, आज सबको मालूम है, हर माँ बाप भी जानता है कि बेटा तो चलो अभी शादी करके निकल जाएगा, मगर बेटी शादी के बाद भी दो घर देखती है, वो अपना भी घर देखती है, अपने पेरेंट्स को भी देखती है। आप देख लीजिए 70-80% जगह पे यही हो रहा है कि लड़कियां दोनों मैनेज करती हैं। तो अब नहीं है, मुझे नहीं लगता है अब है, क्योंकि मैं तो मिलती हूँ पेरिफरी में भी, हमारे पास बहुत, हम लोग कैंप्स लगाते हैं, बहुत लेडीज मिलती हैं। नहीं, अब हमको अच्छा एक ही या दो बच्चा चाहिए, डॉक्टर साहब अच्छे से हो जाए बस हमको, क्योंकि हमें अब कोई बच्चे को पढ़ाना है, अब लोग पढ़ाई के ऊपर जा रहे हैं, शिक्षा के ऊपर, तो वो जरूरी है। अगर आपको एजुकेशन दोगे आप अपने बच्चों को घर पे, तो आपका घर, आपका समाज शिक्षित होगा, तो आप बहुत आगे बढ़ सकते हो। मैं तो एजुकेशन के ऊपर सबसे ज्यादा वो करूंगी कि भाई नहीं, लड़कियों को तो आपको 100% एजुकेशन देनी ही चाहिए, तो इसलिए मुझे लगता है कि अब इतनी प्रॉब्लम नहीं आ रही है। लड़का है, लड़की है, सब बराबर है हमारे समाज में, और वो इसी शिक्षा से ही हुआ है ये। तो कहीं ना कहीं एजुकेशन का इतना ज्यादा असर, जो हम लोग कहते रहते हैं कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ पर भी जो एक जोर दिया है गवर्नमेंट ने हमारी, तो उसका कहीं ना कहीं रिजल्ट हमें देखने को मिला। ये चीज मैम सुन के बहुत अच्छा लगा कि जब आप 15 ईयर्स बैक जाते हो, प्रैक्टिस कर रहे थे, तब कैसी सिचुएशन थी, आप लोगों ने तो लाइव उस चेंजेस को होते हुए महसूस किया कि कैसे कैसे पेशेंट्स आते थे, और अब एक अच्छी चीज सुनने को मिलती है कि बच्चा बस स्वस्थ हो। और मेरे ख्याल से हर किसी को यही चीज आके डॉक्टर से सबसे जरूरी बात यही करनी चाहिए कि बस हमारा बेबी जो है वो स्वस्थ हो, लड़का हो या लड़की हो, इट डजंट मैटर। जी जी जी, बिल्कुल यही है। और इससे क्या है कि हमारा जो सोसाइटी में जो लोग हैं आसपास है, अवेयरनेस बहुत फैल गई है। अब लड़के लड़की वाली बात तो चली गई, वो नहीं, हमको बच्चा चाहिए, स्वस्थ चाहिए, और हमको अपनी बेटी को पढ़ाना है। आजकल हर जगह आप पेरिफेरी में भी जाइए, लड़कियां तो पढ़ी है, वो साइकिल से जा रही है, कोई प्रॉब्लम, तो सिक्योरिटी भी बहुत है, अब कोई सिक्योर नहीं है, लड़कियां भी सिक्योर है, तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले तो सिक्योरिटी भी एक प्रॉब्लम आ जाती थी ना कि रात को लड़की जाएगी या कोचिंग से देर से आ रही है, वो सारी चीजें जो है उस वजह से भी आजकल लड़कियां ज्यादा पढ़ लिख रही हैं। एक मैं ये भी कहूंगी कि हम जो गवर्नमेंट आई है, जो चेंजेस हो रहे हैं, वो सिक्योरिटी की वजह से, सिक्योर है लड़की तो आप 10 बजे भी जाओ, 11 बजे भी आओ। हम लोग ही पहले, जब मैं 15-20 साल रेजिडेंट थी, तब हम लोग जाते थे, हम लोग को डर लगता था, रात में हम लोग को जाना ही पड़ता था कॉल में, मगर अब तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जैसे जैसे हमारी चीजें समाज में चेंज हो रही है, जैसे जैसे हम आगे एजुकेट करेंगे लोगों को, तो एजुकेशन होगी तो लड़के भी एजुकेट हो रहे हैं भाई, तो क्राइम कम होगा। मेरा कहने का मतलब है एजुकेशन सबसे ज्यादा जरूरी है। जो लोग इस वक्त आपको सुन रहे हैं, जो कहीं ना कहीं, हमेशा तो नहीं बट एक मोमेंट पर आकर कभी ना कभी विमेन्स, जो वर्किंग विमेन्स हैं, उनके ऊपर ये चीजें आ जाती हैं कि भाई हम क्या करें, हम अपना घर संभालें, अपने बच्चे संभालें, अपना करियर देखें, तो आप उन लोगों से क्या कहना चाहेंगी? मुझे नहीं लगता है, मुझे लगता है कि आजकल औरत इतनी स्ट्रांग है, इतनी स्ट्रांग है
कि कोई भी सिचुएशन आए, कुछ भी हो, वो घर और बाहर दोनों जगह देख लेगी, वो मैनेज कर लेगी, मुझे लगता है। क्या बात है, ये आपका विश्वास औरतों में एक्चुअल में एक विश्वास जगा देगा कि अगर डॉक्टर मोनिका मिश्रा को हमारे ऊपर इतना विश्वास है, नाउ वी हैव टू एक्चुअली डू इट, कि ये जो कला जो है इसको एक्चुअल में जगा के रखना। कहते हैं ना कि महिला के अंदर एक कला होती है कि वो इतनी सारी चीजें एक साथ मैनेज कर सकती है। ये अभी लड़कों से बोल दो ना, इनसे इनके बस की बात नहीं है, ये सिर्फ अपना काम ही कर सकते हैं। जी जी, अब ये अब समय बदल गया है, मैं यही कहूँगी समय बदल गया है, अब नारी आगे बढ़ रही है और उसको कोई रोक नहीं सकता है। थैंक यू सो मच मैम अपनी स्टोरी शेयर करने के लिए, और एक ये मोटिवेशन और एक ये जो आत्मविश्वास आपने अपनी बात कहकर जगा दिया कि लड़कियां कर सकती हैं, मुझे लगता है कि वो सब मैनेज कर लेंगी, दैट इज वेरी ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच मैम। मोनिका मैम ने तो एक आत्मविश्वास, एक मोटिवेशन हम सबको दिया है कि हम अगर ठान ले तो हम कुछ भी कर सकती हैं। लेकिन इन सब के साथ बहुत ज्यादा जरूरी होता है फैमिली का सपोर्ट, इन लॉज का सपोर्ट और हस्बैंड का सपोर्ट, पेरेंट्स का सपोर्ट, सिबलिंग्स का सपोर्ट। किसी भी फीमेल को अपने करियर को बनाने में इन लोगों के सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। Six FM Radio KGM.